गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो गाइस आज फिर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम गाड़ी से ही। आज है संडे और आज तारीख कितनी है भाई, 23 तारीख है आज। और भाई आज अभी हम जा रहे हैं करोल बाग। पहली बात तो बाइक्स वगैरह की वीडियो मैंने डाली थी आपको लास्ट टाइम, बताया उसमें काफी सारा खर्चा होना है। तो भाई वो हमने बाइक दी भी है, कुछ काम करवाया भी है, कुछ अभी काम उसमें बाकी है तो उसको भी करवाएंगे जल्दी से जल्दी, उसकी वीडियो भी आ जाएगी। तो पहले अभी जो काम करवाया ना उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो चलो पहले वो चलते हैं और एक चीज़ दिखाता हूँ भाई मैं आपको पहले। तो गाइज ये ना कुछ न्यायालय से निकलते हैं तो ये कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो बीच में मतलब कि ये भी कोशिश की थी इस कूड़े को हटाने की, बट ये कोई ना कोई आते आते यहाँ डाल जाता भाई, जबकि कूड़ेदान ऑलरेडी बन चुका है न्यायालय पुल पे। लोग बाग यहाँ फेंक जाते हैं, वहाँ पता नहीं क्या दिक्कत होती है। पर इसका एक बेनिफिट है भाई, बेनिफिट ये है जब आप लोगों को पता है जैसे कि भाई कोरोना चल रहा है आजकल दोबारा से, मतलब हो रहा है कोरोना आजकल न्यूज़ वगैरह आ रही है जैसे, तो आप जब भी यहाँ से निकलोगे अगर आपको स्मेल आ रही है मतलब कोरोना नहीं हो रखा, आपकी नाक वाक सब कुछ सही काम कर रही है, अगर आपको बदबू नहीं आ रही है तो इसका मतलब कि भाई कोरोना हो गया, सिम्टम्स चेक है उस चीज़ के, तो आप चेक करवा लो। तो चलो पहले जाके वीडियो देखते हैं। जय बोले शंकर महाराज की, जाओ पहले जाके वीडियो देखो कि हमने बाइक में क्या 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 काम करवाया है अभी, और अभी क्या काम बाकी है मैं उसके बाद बताऊंगा, और वो कितने पैसे लगेंगे क्या है सारी चीज़ें आएंगी इस वीडियो में। तो चलो तो भाई अभी हम ना पीके नगर सर्विस सेंटर हैं और भाई ये खड़ी अपनी बाइक पीछे, आपको किलोमीटर दिखा देते हैं किलोमीटर कितनी चल गई है, इश्यू क्या है सर दिखा देते हैं। किलोमीटर चल गई है 38,000। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भैया इसका जो चैन सेट है ना वो हो गया ख़त्म बिल्कुल, ये लास्ट पॉइंट पे आ गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता तो अभी चेंज कराते हैं। तो भैया एक चीज़ बताओ अपना जो चैन सेट है कितना किलोमीटर वगैरह होती है, चलने को चल जाएगा 18-20 मिनट चल जाता है। अच्छा जिस तरह से हम राइड करेंगे चैन लोग चल करते हैं चैन की, ठीक है। क्या कॉस्ट क्या आ रही है चैन सेट की, तो कॉस्ट बेसिक 40,000 आती है विद लेबर विद फिटिंग। ओके तो गाइस अपना जो चैन सेट है ना अराउंड 20,000 चल गया है, मैंने 20,000 चलाया जबकि मैं कई रफ भी चलाता हूँ, मेरे हिसाब से मैंने 18,000 पे करवाया था, तो आपने स्टार्टिंग में दिखा दिया 38,000 हो गए, तो अराउंड 20,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ और अब चैन सेट चेंज करवा रहे हैं। नहीं तो भाई देखो 15,000 तो कंपनी कहती है, तो अगर आप लोग भी ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप भी भाई क्लीन कर सकते हो चैन वगैरह घर पर, 500-700 के बाद आप क्लीन कर लीजिए, तो उससे क्या है जो डस्ट वगैरह होती है वो सारी क्लीन हो जाएगी और चैन सेट की लाइफ बढ़ जाएगी। तो भाई जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा लेट डलेगा, आपके पैसे बचेंगे। तो भाई ये मिल गई पर्ची, तो ये भाई इनका एड्रेस है, अगर कोई भाई अपना जावा वाला आना चाहता है तो भाई इस पर विज़िट कर सकता है। और भाई अपना ही मतलब सजेशन देना कि कैसे लगी सर्विस वगैरह, मेरे यूट्यूब चैनल पे डालना भाई पक्का कमेंट डालना। तो भाई ये डल गया अपना चैन सेट नया वाला, और ये है भाई आगे का पॉकेट, देखो ये आगे के तीत देखो कैसे लगे, इस पर भी देखो दांत में से ख़त्म हो गए, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए भाई ये तो। तो गाइस देख लिया आपने भाई 5,000 रुपये के अराउंड मतलब 4,000 समथिंग का डला है अपना चैन सेट, तो इतना मोटा खर्चा भाई ये मतलब कोई वारंटी में कुछ नहीं आता, और अराउंड मैंने 18,000 से 20,000 के बीच में चलाया है, और जो कंपनी आपने देख लिया क्लेम करती है भाई 15,000 तक ही चलता है। तो भाई एक और दिक्कत आ रही थी इसमें, दिक्कत आ रही थी भाई अपने कौन सेट की, तो अब वो वारंटी में चेंज हो सकता था, तो वारंटी थी तो वो मैंने दिया था वहाँ पर सर्विस सेंटर में, तो 2-3 दिन लगे थे इसको चेंज करने में, वारंटी लेने में जो भी है कुछ उसका करके उन्होंने दे दिया, फर्स्ट क्लास हो रखी है बाइक अभी। तो भाई इसमें ना एक दो काम अभी और बाकी हैं, जैसे कि भाई टायर डलवाना है बहुत ज़रूरी, स्लिप मार रहा है बहुत ज़्यादा, जब मोड़ करते हैं ना एकदम से हाई स्पीड में तो स्लिप मार जाता है। एक और जो काम पेंडिंग वो है सर्विस, क्योंकि 40,000 होने वाले हैं, 5,000 के बाद होती है, तो वो सर्विस भी है, 40,000 करीबन होने वाला है बाइक को किलोमीटर कम्प्लीट, तो खर्चा अब जाके काफ़ी मांग रही है गाड़ी, तो जो ज़रूरी भी है भाई अगर चलानी है तो करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो अगर इसी सेगमेंट की और बाइक्स हैं जैसे कि रॉयल इनफील्ड वगैरह, उनसे अगर कंपैरिजन करा जाए तो भाई कॉस्टली पड़ता है ये काफ़ी, क्योंकि उसका जो चैन सेट है मैंने देखा ऑनलाइन देखा तो 2400-2500 रुपये का आ जाता है, और इसका टोटल भाई सर डलवाने के बाद मतलब 4,000 रुपये तक का पड़ता है।
तो इस हिसाब से अगर हर एक चीज़ का कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है ये बाइक। मतलब क्या नहीं, मतलब भाई वाइब्रेशन भी नहीं है और एक अलग क्लास है, उससे अपर की क्लास है और एक अलग ही सेगमेंट है भाई। दोबारा से भाई ये चीज़ें मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ अपनी जितनी बाइक की सर्विस होती है और जितना भी मतलब मैं काम करवाता हूँ कि भैया अगर आपकी बाइक एक्सटेंड वारंटी करा सकते हो तो भाई करवा लेना। 2500-3000 रुपये में होती है बट भाई इसको पूरा पूरा फ़ायदा मिलता है ए से लेके जट तक। और भाई इसका बेनिफिट ज़रूर लेना, नहीं तो भाई मोटा खर्चा आता है और भाई हमारे ऐसा जो एक लोअर क्लास फैमिली से है तो उसका उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शौक़ देखो सबके होते हैं भाई, बड़ी बड़ी बाइकों के, गाड़ियों के, हर एक चीज़ के, तो उसको पूरा करने के लिए तरीके ढूंढने पड़ते हैं और गलत तरीका नहीं है, सही तरीका है। पैसे पे कर रहे हो आप 2500-3000 रुपये जब आप सर्विस ले रहे हो। तो चलो कोई बात नहीं, आगे जो काम होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं करोलबाग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और हम जा रहे हैं भाई करोलबाग चना मार्केट। और वहाँ पर भाई एंटिक पीस वगैरह मिलते हैं कई तरह के, वो सारी चीज़ आगे वाली वीडियो में पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो चलो चलते हैं, आपको सीधा मिलते हैं चना मार्केट में। तो गाइस ये पहुंच गए हम चना मार्केट भाई, सामने गफ्फा मार्केट है ठीक है भाई, और इसी के यहीं पर ही है ये चना मार्केट। मैं और ये चौक पड़ता है, चौक से लेफ्ट मुड़े हैं ना भाई, ये भाई पूरे अंदर चना मार्केट है। यहाँ पर कुछ एंटिक पीस मिलते हैं, घर के लिए सामान मिलता है, मतलब घर के ऑफिस के लिए किसी चीज़ के लिए मिलते हैं, स्टोर पर मिलता है। तो चलते हैं शॉप के अंदर, चलते हैं आपको शॉप भी दिखा देंगे। तो गाइस एक शॉप पर पहुँचे हम एडवांस कलेक्शन पे, भाई यहाँ पर ये शॉप है और यहाँ पर देखो ये सारे एंटिक पीस हैं, काफ़ी अच्छे हैं, अंदर तक हो क्या है बुद्धा की मूर्ति देखो कितनी बड़ी है, मतलब पीस है खाली मूर्ति का, मेरे दो कलर है और गणेश जी भी अच्छे हैं, पानी वाले ना बहुत बढ़िया लग रहे हैं। फ्लावर्स के इतने कलेक्शन है इन लोगों के पास, बहुत सारी कलेक्शन है फ्लावर्स के नीचे, तो टाइम नहीं है देखो कितने। आइटम हमने ले लिए और ये एकदम पैक करा दिए, तो आपको नहीं पता चलेगा हमने क्या लिया है, हैं हिंदी आ रही है। तो भाई ये वीडियो बनाने नहीं दे रहा, तो जैसे मर्जी करके शूट करा थोड़ा बहुत। तो देखो बच्चों की हालत है, शॉप पे खड़े हैं और देखो गेम खेले हमारे भाई से, भाई साहब जी देख रहे हो, और ये हमारा हो गया पैक। तो गाइस शॉपिंग वगैरह हो गई है यहाँ से,
भाई चना चना मार्केट है, चाइना मार्केट है, मतलब ऐसे ही है किसी ने चाइना लिखा हुआ है, कोई कहता है चना मार्केट है, और ये आइडिया नहीं। आप बताना भाई कमेंट सेक्शन में कौन सी मार्केट है ये, गफार के सामने पड़ती है, और यहाँ पर सारे घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, ड्राइंग रूम से रिलेटेड सारे डेकोरेशन के आइटम्स वगैरह मिलते हैं, एंटिक पीस मिलते हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे वो यहाँ मिलेंगे, और रेट भाई रेट के आपको फुल ऑन गारंटी है, इतने सस्ते रेट में मिलते हैं और अच्छी चीज़ मिलती है, कंपैरिजन आप कर सकते हो। और अब यहाँ से निकलते हैं भाई, टाइम हो गया 2:30 बज गए, मतलब 1.5 से 2 घंटे हमने यहाँ पर ढूंढा ढांडा सर्च करा काफ़ी टाइम। अब क्या गिफ्ट लिया है क्या नहीं है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो अभी चलते हैं, अभी कुछ खाने का प्रोग्राम है तो अभी ढूंढते हैं कुछ, बच्चों को खिलाते हैं क्योंकि विदित कह रहा है भूख लग रही है, भूख लग रही है, टाइम भी हो गया भाई खाने का। तो आज है संडे, आज का जो लंच है बच्चों के साथ करेंगे और मस्त बढ़िया सा। ये लेफ्ट में जो अपने सारी की सारी ना कार मार्केट है, आगे भी है अंदर भी है, बट ये भी यहाँ पर भी कार्स वगैरह की सारी एसेसरीज वगैरह मिलती है। 2 मिनट पहले ही धूप निकली थी, अभी चेंज हो गया और आगे लग गया जाम। स्वाति कैसा लग रहा है, मतलब क्या कह रहे हो आप, क्या खाना है वर्थ नहीं है, बेकार है, स्वादिष्ट नहीं है, मतलब चटपटा नहीं है इसलिए लग रहा है, या तो सिंपल है ना, नमक ज्यादा हो रहा है। और क्या कमी है, और हुआ क्या भाई, एक्चुअली में स्वाति ना बटर नहीं खाती, उसने एक नान में बटर लगा दिया, मैंने भाई रुक जा एक में मत लगाइए अलग रखिए भाई, बच्चे खाएंगे नहीं तो। देखते हैं, सारा पानी पुनी इधर हो गया, रायता उधर चला गया, इतना भर दिया है भैया ने। तो गाइस इस वीडियो करते हैं यहीं एंड, और नेक्स्ट वीडियो में भाई गाड़ी के जो भी टायर वायर डलवाने हैं, जो भी जिस कंपनी के भी डलवाऊंगा, वैसे लास्ट अपोलो का डलवाए थे, अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने, तो अब देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही प्यार अपना दिखाते हैं ना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना। तो भाई इस वीडियो करते हैं यहीं क्लोज, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।